अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आरिफ खत्री और आज मैं बना रहा हूँ ढाबा स्टाइल खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल बनाएंगे। इसे घर बनाना बहुत आसान है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप तुअर की दाल ले ली है, चना दाल, मूंग दाल और मसूर की दाल 2-2 चम्मच ले ली है। इन सबको हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। बॉल में डाल लेने के बाद मैंने 1.5 कप चावल डाल लिया। उसके बाद हम 2 गिलास इसमें पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए भिगने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद देखिए, मैंने 1 कप मटर को रात भर के लिए भिगो लिया था। फिर उसके बाद दाल चावल को आधे घंटे के बाद धोने के बाद एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और हमारे मटर भी धोकर एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 गिलास पानी डालकर अब इसे हम गैस के ऊपर रख देंगे। गैस की फ्लेम चालू करके इसे रखकर अच्छे से बाइल आने देंगे। जब एक बार बाइल आ जाएगा तो इसकी लीड लगाकर इसके 2 प्रेशर आने तक अच्छे से गला लेंगे। देखिए 2 प्रेशर आ गए, गैस की फ्लेम बंद करके मैंने नॉर्मली इसका प्रेशर रिलीज होने दिया। उसके बाद इसे हल्का सा एक बार चलाकर ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें जीरा डाल लिया है और बटर के कुछ क्यूब डाल लिए है और सूखी हुई लाल मिर्ची डालकर इन सबको चटका लेंगे। और जब हल्का सा जीरा चटक जाएगा तो उसके बाद दो स्लाइस में कटे हुए प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसे चला लेंगे। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चॉप हरी मिर्ची, चॉप अदरक लहसुन, इन 2-2 चम्मच मैंने सभी चीजें लिए, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फिर से चला लेंगे। जब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तो बस इसी पॉइंट पर इसके अंदर 2 स्लाइस में कटे हुए बारीक टमाटर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके टमाटर को नरम कर लेंगे। देखिए मेरे टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं, तो बस इसी पॉइंट पर हम पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1-2 चुटकी इसमें हल्दी डालकर मसाले को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2-3 चम्मच पानी डालकर फिर से हम मसाले को भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से तेल छोड़ देगा तो जो हमारी दाल चावल की खिचड़ी थी वो इसमें ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर जरूरत के हिसाब से हम पानी डाल लेंगे। मैं 1.5 गिलास पानी डाल रहा हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसमें बाइल आने देंगे। जब अच्छा सा बाइल आ जाएगा तो एक बार फिर से इसे चला लेंगे और उसके बाद इसके अंदर बटर का 1 क्यूब डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 नींबू का रस डाल लेंगे और उसके बाद हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और अब इसे साइड में रखकर अब दूसरा एक बर्तन में तेल गरम कर लेंगे और इसके अंदर पनीर डाल देते हैं। पनीर के कुछ क्यूब डालकर इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से पनीर फ्राई हो जाएगा तो हम पनीर को हमारी खिचड़ी में ऐड कर देंगे। पनीर को ऊपर से हीट कर लेने के बाद जो हमारा तेल गरम था, इस तेल के अंदर सूखी हुई 1 लाल मिर्ची डाल रहा हूं मैं और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर इस तड़के को हमारे खिचड़ी के ऊपर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सर्व करेंगे दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं इसके लिए भी मुझे जरूर कमेंट करें।